आज अकेले ही है वो, उसको सोचते हैं तो कुछ नहीं होगा भाई। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर क्या आ गया, मेरी टीम के ऊपर बंदे आ गए नीचे, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर बंदे वहीं पर हम नहीं है किसी से कम। और वैसे भी हम मार मार के बंदों को कुत्ता बना देते हैं, कुत्ता कैसे, वो भी चार टांगों पे चलता है नौक बंदा, और कुत्ता भी चार टांगों पे चलता है। अब देखो जैसे मैं कूद के आया अपने बंदों के पास, वैसे ये बंदा भी अपने बंदों के पास कूद के आया, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी या इसके फूटे कर्म थे कि इसको मैं दिखा ही नहीं। इस बिल्डिंग में तीन चार बंदे और है, तो मैं अपना ट्रिपल एन आई क्यू अगर यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। अब इसे तुम लोग कैंपिंग मत बोलने लग जाना, मेरे आई क्यू और कैंपिंग में जमीन आसमान का फर्क है। पीछे से बंदा आ गया, कहाँ से आया, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अब ये ऑल डेड। अरे यार भाई ये क्या हुआ, अरे मेरे पास स्किल था, ये कैसे मर गया। बंदे सामने लग रहे हैं, गाड़ी लग रही है, मतलब बंदे तो यहाँ पर 100% होंगे। जब मैं और मेरी टीम कहीं से गुजर रही होती है ना, तो दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं, तो हमारे खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो, दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है सामने वाले डबल स्टोरी में दो बंदे तीन बंदे पता नहीं कितने बंदे कैंप कर रहे हैं, तो दरवाजे भी हमारे आते ही खुल जाते हैं। तो इसी बात पे मैं इनको लड्डू खिला देता हूँ। लड्डू खाओ यार, हमारा इतना खौफ बढ़ गया है बीजेएमआई में। दो लोगों को हमारा लड्डू इतना पसंद आया था कि वो कुत्तों की तरह और भी लड्डू मांगने लग जाते हैं, और इनका एक बंदा ऊपर से किसी से मार खा रहा होता है, ऊपर छत पे नॉक हो जाता है। तो पहले इस दरवाजे में कुंडी लगा दूं, कोई बंदा बच के भाग ना पाए। जवाक जवाक भाई, तो भाई ये क्या था, ये क्या था, ये था क्या, इसने मेरे पे डीबीएस चिपका दी एक्शन में। हाँ ठीक है ठीक है, 200 रुपए देने का ठीक है, सिर्फ मैंने ही ले रखा है, बंदों को ना मारूं मैं। तो गाइस हमारे नंबर चार पर कुछ बंदे आक्रमण कर देते हैं सामने वाले इस घर में, और मैं इस घर में इतनी सारी गोलियां चलाता हूँ कि कोई बंदा नॉक ही नहीं होता है। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना थोड़ा पास जाके इसमें थोड़ा बहुत माल फेंका जाए, मूली गाजर आलू सब कुछ फेंक देंगे इसके अंदर। कहाँ मर गए सबके सब बंदे मुझे खुद नहीं पता है, मेरे टीममेट यहाँ पर नॉक पे नॉक निकाले जा रहे, लेकिन मुझे एक बंदा दिख भी नहीं रहा है। अबे अबे कोई नहीं आएगा घर के अंदर, मैं मारूंगा इसको, वैसे भी कंटेंट भी तो बनाना है मुझको। चलो बेटे लॉबी जाओ, अपने मित्रों से बातचीत करना लॉबी में, अगर नहीं है तो टेंशन मत ले, अभी एक एक करके सबको तेरे पास भेजता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैंने सबका सफाया कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा बचा हुआ था जिसको मैं मूली डाल के भस्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भस्म होता नहीं है, पता नहीं मेरी मूली का काम नाकाम कैसे हो गया। अब मुझे पता नहीं ये बंदा मुझसे टीम अप करने लग रहा था कि क्या कर रहा था, फर्स्ट एड लगा रहा था, इसलिए मैं इससे और पे बात करने के लिए इस कोने में आ जाता हूँ, दरवाजा वरवाजा सब बंद कर लेता हूँ। हेलो हेलो ए ऑल पे, बोल बे साले, बनना यहीं पर पेटी बना दूंगा। मुझे लगा ये अपने बंदे को टीम अप करने के लिए बुलाएगा, लेकिन ये तो हमारे ऊपर अंधा रश कर रहा था। अरे बस कर, मुँह में कीड़ा घुस जाएगा, मेरे पास आओ, ड्रॉप पे गाड़ी लगी है। अब देखो गाइस मुझे तो पता थी कोई बंदा यहाँ पर ड्रॉप लूटने के लिए आया है, तो मैं आराम से नागिन बन जाता हूँ और वेट करता हूँ उसकी गाड़ी चलाने का, और उसको तुरंत मैं खींच लेता हूँ गाड़ी में से, जाने ही नहीं देता हूँ उसको। और ये लैम्बो वाला उसको बचाने के लिए जाहिर होता है, लेकिन मैं उसके ऊपर फायर कर देता हूँ तो उसके फटके हाथ में आ जाती है और ये घरों पर चला जाता है। लेकिन हमारा नंबर चार जो है वहाँ पर पहले से ही घात लगा के बैठा था, उसको तुरंत नॉक कर देता है वो। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी, अभी तक नॉक भी नहीं कर पाया वो। खैर गाइज मैं बग्गी उठाता हूँ और नंबर चार ने तुरंत बंदा नॉक किया कैंडी नाम का, और उसको मैं कैंडी खिलाने के लिए, मतलब पूरा फिनिश करने के लिए मैं जाता हूँ अपनी बग्गी को लेके, और उसकी यहाँ से पहले पेटी बनाता हूँ, और उसकी लैम्बो उठाकर मैं अपने टीममेट के पास जाता हूँ, उनके पास बंदे आ गए थे। अरे टेंशन लो तो तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नॉक फिनिश नहीं कर पाएगा, कहीं से भी कोई भी आ जाए। इसकी बैच किया हमारे टीममेट पे फायर करेगा। अब ये क्या हो गया बे, और कौन मार रहा है बे, कहाँ से पड़ी मुझे।
ये फिनिश भी कहां से हुआ, मैं पता ही नहीं पड़ी। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे हमारा नंबर चार डाल देगा सबका अचार, लेकिन ऐसा होता रही है। इन भाई सब के ईयरफोन काम करना बंद कर देते हैं, पता नहीं कौन से नजेबाजी में था ये नंबर चार। खैर छोड़ो। सो गाइस आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जो लोग नए हो चैनल पे वो बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जा।